आज आप देख रहे हैं इस महाकुंभ में एम्बेसडर जो भगवा रंग की है, जिसमें चलते हैं नागा साधु। फिल्म टार्जन फिल्म में गाड़ी थी पहले शूटिंग में, एक बार अपने आप दरवाजा और दरवाजा सब खुल जाता है, आगे पीछे का सब खुल, देखो बांध करके रखा हूँ, हुआ है कोई ताला दरवाजा कुछ नहीं है इसका, चलते चलते अपने आप खुल जाता है दरवाजा, कोई बंद हो जाता है। सब चारों कुंभ करता हूँ इसी गाड़ी से जाता हूँ। तो मज़ा आता है गाड़ी चलाने में कि नहीं? मज़ा तो नहीं आता, आनंद आता है। मज़ा लेने के लिए कुत्ती लाहौर गई थी। भाई आज तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट में कब्ज हो गया, नहीं पाद नहीं आ रहा है, नहीं ढेकार आ रहा है। तो नागा साधु कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? ऐसे ही करते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं तुम्हारे सामने। कैसे मतलब? जैसे अभी कितना भी पर्ची मर्जी पकड़ के कुछ भी सीधा करो तो सीधा नहीं होगा, और हमारी इच्छा करेगा तो सीधा भी हो जाएगा। ये हमारा गुरु, ये छू सकते हैं इसको, और दूसरा कोई का पावर नहीं छूने के लिए। इसका मॉडल मॉडल क्या है वैसे इसका? काफी 72 मॉडल गाड़ी है। 72 को आप अभी भी लेके चल रहे हैं? अब तो ये बीमार सी हो गई होगी। नहीं बीमार, अभी चटपट जवान से भी तेज चलेगी। अच्छा, हाँ और क्या। थोड़ा दर्शकों को चला के दिखा सकते हैं? महाराज देखो गाड़ी स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, और इस महाकुंभ में लगातार हम आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों से संवाद श्रृंखलाएँ दिखा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक ऐसे नागा सन्यासी हैं जो प्रसिद्ध हैं टार्जन बाबा के नाम से। जिस वाहन पर ये बैठे हैं, ये वाहन है एम्बेसडर गाड़ी, और एम्बेसडर भी है भगवा रंग की। आपने एम्बेसडर गाड़ी देखी होगी काली रंग की, जिसमें ब्रिगेडियर चलते हैं। आपने एम्बेसडर देखी होगी सफ़ेद रंग की, जिसमें अधिकारी वर्ग चलता है और राजनेता लोग चलते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं इस महाकुंभ में एम्बेसडर जो भगवा रंग की है, जिसमें चलते हैं नागा साधु। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। महंत राजगिरी, तो नाम आपका महंत राजगिरी नागा साधु है, लेकिन ये टार्जन बाबा आप कैसे हो गए? आप लोगों के जैसे सिद्ध कर दिया, बोले बहुत बाबा तेज गाड़ी चलाते हैं, बहुत ऐसे रहते वैसे रहते हैं। और फिर फिल्म टार्जन फिल्म में गाड़ी थी पहले शूटिंग में, एक बार टार्जन में फिल्म में ही गाड़ी है। अपने आप दरवाजा और दरवाजा सब खुल जाता है, आगे पीछे का सब खुल, देखो बांध करके रखा हूँ, कोई सही साठ लाख वक कुछ नहीं है, आगे पीछे का सब देख लो बंधा हुआ है, कोई ताला दरवाजा कुछ नहीं है इसका, चलते चलते अपने आप खुल जाता है दरवाजा, कोई बंद हो जाता है। तो टार्जन जब मूवी बनी थी तो उसमें भगवा रंग की गाड़ी तो नहीं थी? नहीं थी, पर थी अभी ना, अभी तो है ना। उस समय भगवा नहीं था? उस टाइम भगवा ही था। हाँ। भगवा था पर वो उतना फुल कलर नहीं था। अच्छा, वो ऐसा पत्ते का कलर की गाड़ी थी। अच्छा, तो पत्ते का कलर के ऊपर मैंने डाल दिया था कलर एक। तो अब इस गाड़ी को लेके घूम के कहाँ कहाँ यात्रा कर लेते हैं आप? सब चले जाते हैं, उत्तराखंड हिमालय में सब मैं इधर घूम ही रहा हूँ, बद्री केदारनाथ में घूम ही रहा हूँ, इधर अमरनाथ तक जाता हूँ, फिर उधर काश्मीर कन्याकुमारी जाता हूँ, रामेश्वरम जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, हाँ गोवा जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, फिर इधर नेपाल आता हूँ, काठमांडू जाता हूँ, आसाम जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, बंगाल जाता हूँ, सब चारों कुंभ करता हूँ इसी गाड़ी से जाता हूँ। कोई राज्य छोड़ा इस गाड़ी से कि सारे राज्य नाप दिए? करीब करीब कुछ भूल भी गए होंगे, जितना कि अपने को याद नहीं है, जहाँ तक याद है कि मैं करीब करीब घूम ही लिया हूँ सारे राज्य लगभग घूम ही लिया आपने। तो ये गाड़ी तो खैर बहुत पुरानी लग रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये भगवा गाड़ी और भी किसी के पास होगी ऐसी भगवा रंग की। तो इसका मॉडल मॉडल क्या है वैसे इसका? काफ़ी पुरानी मॉडल है, 72 मॉडल गाड़ी है। 72 को आप अभी भी लेके चल रहे हैं? अब तो ये बीमार सी हो गई होगी। नहीं बीमार, अभी चटपट जवान से भी तेज चलेगी। अच्छा, हाँ और क्या, जवान से भी तेज चलेगी, और अब मेरे को भी देख लो, तुमसे भी तेज चलूँगा, पैदल भी चला, तू भी तो जवान हो। हाँ। कितना मैं बुढ़ा हूँ, चल करके देख लो मेरे साथ पैदल। कितना आपकी कितनी उम्र है? मेरा 77 साल का उम्र है।
आपकी 77 और ये 72 की मॉडल, तो ये 50 साल की, आप 77 के, तो कोई इससे तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसके? वो कागज और सब कुछ है। क्या क्या है? सब कागज है, इंश्योरेंस है, बीमा है, धुआं टैक्स है, सब लाइसेंस है, क्या अच्छा आने जाने का परमिट है। कहीं रोकते हैं गाड़ी को? रोकते कि नहीं? कोई नहीं रोकता है, और रोकता है तो मैं कागज दिखा देता हूँ। अगर कागज मांगता, पहले कोई कागज नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता है। अच्छा। रोकता ही नहीं है, सब बोलते हैं जाओ जाओ बाबा। अच्छा। अब बाकी जो कोई मांगे, कोई देखना चाहे, तो सब कुछ फॉर्मेलिटी मेरे पास में है। अच्छा। गाड़ी का तो गाड़ी तेज क्यों चलाते हैं आप? कह रहे हैं मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। समय का गति के अनुसार चलाते हैं गाड़ी। अच्छा। कभी तेज भी चलती है, कभी कम भी चलती है, अपना जैसा शरीर, जैसे अपना भी इच्छा बढ़िया हो, हाँ अच्छा लग रहा है तो तेज चलेंगे, और जब शरीर खुद नॉर्मल है, चाहे भीड़ भड़क्का ज़्यादा है, तो उसमें धीरे ही चलना पड़ेगा। अपन सिटी में जितना भीड़ भड़क्का में कैसे में आदमी भी तेज चलेंगे? तो मज़ा आता है गाड़ी चलाने में कि नहीं? मज़ा तो नहीं आता, आनंद आता है कि मेरे को साथ में लेकर के, मेरा घर मंदिर के जैसा लेकर के मेरे को चल रहा है, आनंद के जैसा, मज़ा के जैसा नहीं है। आनंद है, मज़ा के जैसा नहीं है। मज़ा तो तुम लोगों को आता होगा। मज़ा और आनंद में वैसे क्या अंतर? बहुत डिस्टर्ब। मज़ा आया तो एक मिनट में आ जाए, नहीं आया तो साल भर पूरा लगे रहे, चप्पल भी नहीं आया। अच्छा। हाँ, मज़ा लेने के लिए कुत्ती लाहौर गई थी। कुत्ती लाहौर गई थी मज़ा लेने के लिए। अच्छा। क्या हुआ कि भंडारा हुआ एक बार। हाँ। भंडारा हुआ तो कई लोग ज़्यादा भंडारा में लोग पत्तल में फेंक देते हैं, तो कोई कच्चा पक्का रह गया, चावल दाल कोई पूड़ी उड़ी, तो कुत्ती भूखी हुई थी, बहुत तेज़ से खा लिया। बहुत तेज से जब खा लिया तो वो भाव 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 करने लगी, तो और कुत्ते आए उसके पास में, आए बोले कि अरे तुमको भाव भाव क्यों कर रही है? बोली भाई आज तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट में कब्ज हो गया, नहीं पार नहीं आ रहा है, नहीं ढेकार आ रहा है। तो कुछ कुत्ते बोले, भाव 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 उसके भाषा में बोले कि तू ऐसा है कि यहाँ से लाहौर जा पंजाब, वहाँ पर धान बहुत होता है, हैं, और वहाँ पर डॉक्टर बहुत है, वहाँ बड़े बड़े, और वहाँ पर तेरे को बताएंगे। तो कुत्ती लाहौर चल गई भागते भागते, अब वहाँ भागते दूसरे कुत्ते देखे, बोले भाव 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 कहाँ से आए, कहाँ से आए, कौन है, कौन क्या है? बोले कि भैया मैं तो तुम दूसरे देश से आया हूँ, मेरा तबीयत ख़राब है, और कुछ मैं दवाई इलाज चाहता हूँ, मैं भंडारा में ज़्यादा खा लिया हूँ, पेट मेरा पेट खराब है, कुछ उल्टी भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। बोले धान के पत्ते खा, धान के पत्ते खा फटाफट। तो कुत्ती ने धान के पत्ते खाया, फटाफट फटाफट खाया, तो फटाफट उल्टी आ गई उसको। उल्टी आ गई, पेट में से जितने भी था माल सब निकल गया, और लेटरिन के द्वारा बाहर हो गया। कुत्ती ने बोली अब मज़ा आया है भाई। तो मज़ा वहाँ आता है, कोई को भी देख लो, एक समझ सवेरे अच्छा से फ्रेश हो जाएगा तो दिन भर उसको अच्छा लगेगा, अगर सवेरे अच्छा फ्रेश नहीं होगा तो दिन भर कितना मर्जी अच्छा खिलवाओ पिलवाओ, कुछ भी बात करो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मतलब ऐसा, मजा का मतलब ऐसा है। तो मतलब मजा लेने के लिए कुत्ती लाहौर गई, लाहौर चले गई थी, तो उसको ऐसा मजा आया। तो इसीलिए मजा नहीं, आनंद लो, आनंद लो। तो और कुछ बात आप, और ऐसी कुछ और रोचक कहानी दर्शकों को सुनाइए। कहाँ, जब बात के ऊपर बात निकलेगी अब फालतू थोड़ा बात निकली। बाकी मजा और आनंद में यही बस फर्क है। अच्छा। अभी आनंद आ रहा है, अभी सब लोग, आप लोग खुश हैं, सब लोग चित प्रसन्न है। जो आदमी किसी को भी खुश करता है और आनंद देता है, उसी को ही बुद्धिमान बोलते हैं। अच्छा। हैं, और सब लोग, आप लोग खुश है तो मैं समझता हूँ कि ठीक, मैं भी बोल रहा हूँ और आप लोग भी ठीक ठाक हैं सब लोग। और मैं सोचता हूँ कि बार बार गंगा मैया आप लोगों को ऐसे बुलाते रहे और दर्शन मेला करते रहो, गंगा मैया का लहरा लेते रहो। अच्छा, और एक बात बताएंगे, 77 की उम्र में इतने हेल्दी वेल्दी और एकदम फिट कैसे हैं आप? कैसे हैं? अपना सहन शक्ति से हैं, अपना दिमाग से हैं, और फिर अपना गुरु महाराज की कृपा है, और फिर अपना ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल रखते हैं। अच्छा। सबके साथ में रहते हुए सबको साधते हैं। ब्रह्मचर्य को कैसे, अगर आम जनमानस को फल है, एक फल मत खाओ, ब्रह्मचर्य कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। 100 फल है मतलब? एक फल मत खाओ। कौन सा फल? अब वही फल जो फिर तुम देखना चाहते हो मत खाओ। हाँ। हैं, जोग में चलो, भोग में मत जाओ। भोग में जाओगे तो जोग भी खत्म है, भोग भी खत्म है। इसलिए जोगी हो तो जोग चाहिए, भोगी हो तो भोग चाहिए। तो तुम लोग भोगी हो तो इसलिए तुमको भोग चाहिए। खाना पीना को भी भोग बोलते हैं, शरीर संबंध भी भोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो नागा साधु कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? ऐसे ही करते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं तुम्हारे सामने। कैसे मतलब? जैसे अभी कितना भी पर्ची मर्जी पकड़ के कुछ भी सीधा करो तो सीधा नहीं होगा, और हमारा इच्छा करेगा तो सीधा भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अपने हाथ में, अपना कंट्रोल है ना, इसको बोलते हैं। अच्छा। फिर इसको तो पारा बोलते हैं, पारा समाधि इसको बोलते हैं, क्या पारा भक्ति भी इसको बोलते हैं। इसको कंट्रोल कर लिया, इस पारा को कंट्रोल कर लिया तो सबको कंट्रोल कर लिया। ये शरीर का पारा है, अगर इस पारा को बचा करके रखो, औरत हो कि आदमी हो, उसका दिमाग तेज चलेगा और सब बुद्धि भी तेज रहेगी और मजबूत भी ज़्यादा रहेगा। और इसको छिड़ करते जाओगे तो बुद्धि भी निकलते जाएगी फालतू, और ताकत भी कम होते जाएगा, और बोलने का सहन शक्ति भी नहीं रहेगी।
अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है, कुछ नागा साधु ने ऐसा भी कहा कि जब उनकी नागा सन्यासी की दीक्षा होती तो नसों को तोड़ देते हैं। हाँ। तो होता है, ऐसा ही होता है। नसों को क्यों तोड़ते हैं? इसी को लेकर कि उनका काम वासना उनको बस में नहीं रहता है, तो फालतू इधर उधर कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो सबके साथ ऐसा होता है? सबके साथ ऐसा होता है, नागा सन्यासी होते हैं सबके साथ ऐसा होता है। तो कौन तोड़ता है मतलब? उसका गुरुजी अलग होते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसका गुरुजी अलग होते हैं। अच्छा। हाँ, 5-7 गुरु लोग होते हैं, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। कोई चोटी काटता है, कोई कपड़ा देता है, कोई भभूति देता है। 5-7 साधु लोग सब अलग अलग देते हैं, मंत्र देते हैं, अलग अलग कपड़े देते हैं, अलग अलग सब सबका मंत्र। इसका गुरु अलग होते हैं, ये हमारा गुरु ये छू सकते हैं इसको, और दूसरा कोई का पावर नहीं छूने के लिए। अच्छा। और अनुमति भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये स्वयं शरीर शिवलिंग के रूप में है। तो किसी यंत्र वगैरह से नस कटती है? नहीं नहीं, डायरेक्ट वो गुरु जी महाराज मंत्र बोलते हैं और अपना हिसाब से अपना झटका लगाते हैं। अच्छा, झटका लगा के। अच्छा महाराज, आखिरी मतलब आपने ब्रह्मचर्य की बात करी, आजकल आधुनिकता के दौर में खुलेआम सब कुछ हो रहा है, पहले पर्दा होता था, लेकिन आज बड़े शहरों में आम पार्क वगैरह में सब जगह, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बे, अपनी इच्छा को कंट्रोल करो, दुनिया कुछ भी करे अपना अपना को कंट्रोल करो, दुनिया कुछ भी कर रही है पर अपने ऊपर में नियंत्रण अपना सही रखो, दूसरे के तरफ नियत मत भटकाओ। भगवान आँख दिए हैं पर अपना मन दिए, आत्मा दिए, आत्मा को बुरे जगह पर भटकाओ मत, अच्छे जगह पर लगाओ बस। अच्छा, इस का गाड़ी की आखिरी कुछ विशेषता बताइए, गाड़ी की विशेषता ही विशेषता है, चल रही तो विशेषता है और खड़ी गाड़ी हो तो काय का विशेषता है। अच्छा। बहुत जगह पे मेरे को जहाँ पर विशेषता ये है गाड़ी का कि मेरे को जगह पर ख़राब होती है गाड़ी, ख़राब जगह पर मतलब कि ऐसा जगह पर नहीं गाड़ी रुकती है कि जो कि परेशानी अपने को हो। अच्छा, मतलब जगह मंजिल पर पहुँचने के बाद ही खराब? हाँ, गाड़ी का ऐसा सिफत है मेरे लिए। तो ये तो चमत्कारी चमत्कार बहुत चमत्कार है मेरे लिए, मेरा जान भी है ये गाड़ी आपकी। हाँ, जान है? हाँ, मेरे जान भी है ये। कैसे? कैसे कि मेरे जान को लेकर के रक्षा करता है, घर के जैसा घर में आदमी रह रहा तो वो जान का ही तो उसका रक्षा कर रहे थे, मेरे जान का रक्षा करता है। गाड़ी को कितना दूर मर्जी लेकर के चला जाऊँ, सो जाऊँ, खा जाऊँ, पी जाऊँ, लैट्रिन टट्टी पेशाब कहाँ पर जाना हो, जब नहीं मिलता है तो स्टार्ट करो, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सब टाइम साथ दे रही है गाड़ी आपकी जान है। हाँ, ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? आप जो भी पूछना चाहो मैं सभी बता रहा हूँ। क्या चाहिए आपको? देशवासियों को कुछ संदेश? देशवासियों को ये बोलता हूँ, सब शांति स्वतंत्र चलो, अपना अपना जिसका कार्य है अपना अपना ड्यूटी करो। तो अभी कितने साल और इस गाड़ी का साथ नहीं छोड़ने वाले? इसके पूरे जब तक जिएंगे जब तक साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद? उसके बाद तुम्हारे जैसे कोई आएगा दे दे दूंगा, दे देंगे गाड़ी फ्री में। फ्री में बेचेंगे नहीं? बेचेंगे, सौदा नहीं करेंगे गाड़ी। ठीक है, तो ये थे नागा साधु टारजन बाबा। अच्छा, चिलम विलम भी पीते हैं आप? ठीक है, तो ये थे नागा साधु महंत राजगिरी, जो टारजन बाबा के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और ये जो इनकी टारजन द वंडर कार है, ये भगवा रंग की टारजन है, इसको लेकर के ये कश्मीर, कन्याकुमारी, कच्छ, कच्छार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह घूमते हैं। और ये खुद कहते हैं कि ये गाड़ी मेरी जान है। तो बने रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही साधुओं के साथ संवाद हम आपको भविष्य में भी दिखाते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए महात्मा के साथ। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।